हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम बीस्ट। फ्रेंड्स, आज एक और बार बात करेंगे रिफ्स परफ्यूम्स के बारे में, लेकिन आज किसी भी रूटीन या नॉर्मल फ्रेग्रेंस की बात नहीं होगी। बात होगी तो एक ऐसे रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट की जो कि रिफ्स परफ्यूम्स लेकर आया है इंडिया में पहली बार, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लाइव परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, क्या कभी आपने परफ्यूम बनता देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज मैं आपको लाइव परफ्यूम बनता दिखाऊंगा, और उसके लिए आज हमारी मदद करेंगे साजिद भाई। हाय साजिद भाई, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे खैरियत से हूँ भाई। जन्ने ठीक है सर, ये मैं आपको थोड़ा सा पहले माइक लगा दूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपके साथ सवाल करता हूँ। वो ये है सर कि जो ये लाइव परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग है, आप इसके बारे में थोड़ा मुझे डिटेल में बताइए। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे बहुत सारे ऑयल्स पड़े हुए हैं, तो कितना रेंज आप रखते हैं परफ्यूम ऑयल्स का अपने पास? परफ्यूम ऑयल्स में भाई हमारे पास जो है ना काफ़ी रेंज है। नए प्रोडक्ट्स आए हुए हैं और भी कई प्रोडक्ट्स हैं। कम से कम 700 से 800 वेरियंट हमारे पास ऑलरेडी है। 700 से 800 वेरियंट? हाँ जी, बिल्कुल। ये सारे के सारे डिजाइनर इंस्पायर्ड, सब डिजाइनर परफ्यूम है। नेश परफ्यूम भी है इसके अंदर और नेचुरल भी है। हर किस्म के आइटम है हमारे पास फिल वक्त में मौजूद। अच्छा, तो आप मतलब नीश परफ्यूमरी में भी हैं? ओके, दैट इज वेरी गुड सर। और इससे पहले मैं दर्शकों को, मतलब आप हमें और थोड़ा सा बताएं, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट की एक और खास बात है, वो ये है कि आप हर एक चीज कस्टमाइज करवा सकते हैं। क्यों साजिद भाई, मैं सही हूं ना यहां पे? बिल्कुल। कस्टमाइजेशन में क्या क्या चीज कस्टमाइज हो सकती है? कस्टमाइज आपको अगर कोई ऑयल अतर पसंद आता है, आप चाहते हो कि भाई इसमें से परफ्यूम बना ले, तो हमारे पास सब चीज आपको मिलेगी। आप जैसे बॉटल देख रहे हो, हमारे पास बॉटल है, कैप्स है, और अलग अलग वो कलर के वेरिएंट्स है ना, सब आपको हर चीज़ कस्टमाइज करके मिल जाएगी आपको। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपके सामने ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये कैप्स हैं, ये आप कैप्स देख सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो ये पंप है, कॉलर है, ये है। फिर आप इसके ऊपर, आप अगर परफ्यूम बनाते हो तो ये कवर आएगा उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर एक ये सब बैग टाइप में पाउच आएगा, ये आपको सब चीज़ मिल जाएगी भाईजान रेडी होकर सब प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कैप से लेकर बॉटल, उसकी जी खुशबू कैसी होगी, बॉटल के वेरिएंट्स भी है अपने पास। ओके, तो बॉटल के डिजाइन भी आपके पास जी। तो मतलब मैं ये समझूं कि शुरू से लेकर एंड तक जो एक परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है वो आप सारा का सारा कस्टमर के हाथों में दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे वो कैप भी खुद चूज करेगा, उसका एटमाइजर भी खुद चूज करेगा, बॉटल चूज करेगा, उसका पैकिंग चूज करेगा, और जो सबसे ज्यादा मेन चीज है उसका खुशबू जी। तो यहाँ पे सर एक छोटी सी बात बताइए, अब जैसे खुशबू है, आपको मालूम होगा कि बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन होते हैं जिसमें EDP है, EDT है जी। कोई इंसान को माइल्ड फ्रेग्रेंस पसंद है तो उसको 10 से 12% का कॉन्सेंट्रेशन लगता है जी। किसी को बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग खुशबू चाहिए, हार्ड फ्रेग्रेंस चाहिए, तो वहाँ पे 20-25% जाता है। तो क्या कस्टमर वो भी चूज कर सकता है? जी बिल्कुल। आप अगर जैसा पसंद करेंगे, जैसे आप बहुत से लोग EDT यूज करते हैं, वो लोग लाइट फ्रेग्रेंस यूज करते हैं, तो उनके लिए लाइट कॉन्सेंट्रेट है हमारे पास। लाइट में भी आपको बोलो के परसेंटेज पर बन जाएगा। फिर उससे अच्छा है आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चाहिए तो हमारा उस पर भी बन जाएगा, आपको बनाकर मिल जाएगा परफ्यूम। क्या आपको लास्टिंग अच्छी चाहिए तो उसके लिए हमारे पास है ऑयल है, आपको कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर हम ऑयल बनाकर दे देंगे, आपको परफ्यूम बनाकर दे देंगे। मतलब आप मुझे ये भी दिखाइए कि ये कैसे बनता है, और मतलब क्या इसके दौरान पूरा का पूरा प्रोसीजर रहता है? इसका पूरा प्रोसीजर अभी तक जितना मुझे मालूम है कि ये रिफ्स परफ्यूम जो लाइव परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग की मशीन है, आई थिंक ये इंडिया में सबसे पहले रिफ्स परफ्यूम्स ही लेके आने वाला है, इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे इस आउटलेट में कोई भी क्लाइंट आएगा वो सब कुछ खुद अपने चॉइस के हिसाब से, अपनी चॉइस से वो हर चीज ले सकता है कि भाई आपको अतर चाहिए, आपको अतर मिल जाएगा, आप परफ्यूम बोलोगे, आपको बॉटल सिलेक्शन मिल जाएगा, आपको कैप का सिलेक्शन है हमारे पास, पाउच के सिलेक्शन है, आप जी हर चीज की कस्टमाइज आपको मिल जाएगी। साजिद भाई सही बताऊं तो मेरा दिल खुश हो गया है ये बात सुन के कि आपने सारा का सारा जो पावर है वो कस्टमर के हाथ में दे दिया है, इवन कि जो उसको खुशबू चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि 700 से 800 खुशबू है आपके पास जी। तो सर थोड़ा मुझे डेमो करके बताइए कि कैसे? जी बिल्कुल, ये हमारे पास देखिए, अपने पास ये परफ्यूम मेकिंग मशीन की वो है, इसका अल्कोहल जो है वो टेम्परेचर देखिए -20 डिग्री के टेम्परेचर पर है ये। ओके, और इसको बनाने का प्रोसेस है पूरा, हमारे पास यहाँ फिलिंग है, स्टेरर है, चिलर तो ये उसमें से चिल्ड होकर अल्कोहल आता ही है,
फिर उसके बाद कॉलर की मशीन है, क्रिम्पिंग मशीन है, सब चीज़ पूरी, हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। तो जो हम ये आप अल्कोहल की बात कर रहे हैं सर, इसमें थोड़ा सा ना आप मुझे रोशनी डालिए कि आप रॉ मटेरियल भी कैसा यूज़ करते हैं, तो वो मुझे मालूम पड़ेगा कि जो आप ऑयल्स यूज़ करते हैं बहुत अच्छे ग्रेड के हैं। जी जी, जैसा भी अल्कोहल यूज़ होता है तो अल्कोहल का क्या रहता है? अल्कोहल में भी सर जी बहुत अलग अलग वेरियंट आते हैं। आप मार्केट में जाओगे तो पानी बोलकर भी बेचते हैं वो लोग, और अल्कोहल का नाम से, पानी के नाम से भी बिकता है वो, 100-150 रुपये तक के मिल जाता है आसानी से। हमारा जो इतना अल्कोहल है, ये जो प्रोसेस होता है ना, मेकिंग प्रोसेस एकदम हाई एंड का प्रोसेस हुआ है अल्कोहल है। इसमें आपको मतलब जो कंपनी, बड़ी बड़ी फ्रेग्रेंस कंपनी जो ऑयल, अपना ऑयल के साथ में अल्कोहल यूज़ करती है ना, वो अल्कोहल यूज़ किया जाता है इसके अंदर। तो सर आप पहले मुझे थोड़ा सा चॉइस दिखाइए। मैं बॉटल का सिलेक्शन सर जी, बॉटल आप क्या पसंद करना पसंद करेंगे? सो गाइस, अभी आप तो मेरे साथ नहीं हो, लेकिन आपके बिहाफ पे मैं बॉटल चूज करता हूँ आज, और फ्रेग्रेंस तो मैं ऑलरेडी चूज कर ही चुका हूँ। तो साजिद भाई, आप ये वाला बॉटल मुझे करके दिखाइए, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा, एकदम मतलब बहुत ही राउंड टाइप सा बॉटल है, एजेस नहीं है इसके अंदर। तो आप बॉटल तो यही रहेगा जी। अभी बात करते हैं कैप की, तो कैप मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रॉयल रहे, तो आप ये सेंटर वाला कैप मेरे लिए जी बिल्कुल चूज कर लीजिए। एटमाइजर सर मैं गोल्डन ही पसंद करूंगा जी, उसके साथ में कॉलर भी है। ठीक है, इसके अलावा सर कुछ और भी कलर्स हैं आपके पास? हमारे पास काफी वेरिएंट है सर जी, इसके अंदर बहुत सी वेरिएंट है। देखिए ये सब लगी हुई है ना सामने, ये सारी वेरिएंट है हमारे पास। तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास पिंक कलर भी है, लड़कियों का भी बहुत ही आपने सबसे फेवरेट कलर रखा हुआ है, मेरा वाला पिंक, और जो ये आगे ब्लू कलर है, ब्राउन है, ब्लैक है, इवन की बेज कलर है, प्योर व्हाइट है, रेड है। तो आप ये सेंटर वाला ब्लू मेरे लिए चूज कीजिए, ये वाला कलर। यस यस यस, इसके ऊपर रिबन है, तो ये अपन ये चूज करते हैं। चलिए सर शुरू करते हैं अपना लाइव परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपके लिए सर जी बना रहा हूँ ये 2 तोले के ऊपर, मतलब 2 तोले पे बना रहा हूँ। अच्छी मतलब लास्टिंग आपको चाहिए ना। अच्छा, जब आपकी पसंद है तो पसंद भी अच्छी होना चाहिए ना सर जी। नहीं, बिल्कुल ठीक है सर, मतलब आप ये 20 ml से भी ऊपर का बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने ऑयल को फिल्टर के थ्रू बॉटल के अंदर पोर कर दिया है, और सबसे अच्छी बात पता क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्होंने इतना परसेंट कॉन्सेंट्रेशन यूज किया है। यहाँ पे जब आप इनके स्टोर पे विजिट करेंगे तो आप अपने सामने उतना कॉन्सेंट्रेशन डलता हुआ देख सकते हैं। अब ये जो है इसके अंदर अल्कोहल को पोर करने का प्रोसेस किया जा रहा है बस। ओके, ये अभी स्टेरर की जो वो है ना, ब्रश नीचे डाउन होगा, फिर डाउन होने के बाद स्टेरर चालू करेंगे। जी बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कैसे इसके अंदर वो पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है। जो कि मिक्सिंग प्रोसेस का पार्ट है, जहां पे अल्कोहल और परफ्यूम ऑयल मिक्स होता है। इसमें सर स्पीड का भी कुछ ना कुछ अंदाजा रखना पड़ता होगा कि ये तेज करना है कब स्लो करना है ना। जब पूरा स्टेरर का जो ब्रश है ना वो अंदर तक चला जाए ना, तब उसको थोड़ा सा स्पीड कर सकते हैं। अच्छा, फास्ट प्रोसेस होगा आपका। ओके, अभी देखिए आपका ये परफ्यूम जो है वो तैयार हो गया है, एकदम क्रिस्टल क्लियर आया। आप देखिए, वाओ वेरी नाइस। तो इसी से ही पता चलता है कि जो परफ्यूम ऑयल और अल्कोहल का क्वालिटी है वो सुपर ग्रेड है। आप ये बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये रिजल्ट कैसा आता है? ये कैसा है, अभी जो -20 degree पर है ना, एकदम चिल्ड है ये। राइट, अभी आपको ऐसा लगेगा कि एकदम ओके, आप हाथ लगा कर देखिए चिल्ड है। यहाँ पे अभी हम देख पाएंगे इसकी क्रिम्पिंग होगी, कैसे ये लॉक होता है अंदर जाकर।
द प्रोसेस, होल प्रोसेस ऑफ परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आप देख पा रहे हैं. ये देखिए अब ये पंप लग गया, अब इसके बाद इसका ये कॉलर का प्रोसेस होगा. अच्छा, ये अभी इसके बाद कॉलर लगेगा जी. ओके. मतलब अनप्रोफेशनल कहीं भी नहीं है अपन. हाँ नहीं, वो मैंने देख लिया सर ऑलरेडी, और सब चीज जब कस्टमर के सामने ही हो रहा है तो इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है. बस तो ये कॉलर अभी फिट हो चुका है फ्रेंड्स. अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पे इसके, जो कि है इसकी प्राइस. अब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर ये करीबन 20-24% के आसपास अपन ने इसका परफ्यूम वाला कॉन्सेंट्रेशन दिया है जी. तो इसका प्राइस क्या पड़ेगा, और कस्टमर का जैसे आपने बताया कि कस्टमर के पास चॉइस रहता है कि वो 10% करे 12% करे जी. तो मेरे हिसाब से जितना मेरा दिमाग काम करता है कि वो प्राइस भी उस हिसाब से वेरी करेगा जी. राइट, अगर वो 10% ऑयल यूज करते हैं तो 10% का प्राइस थोड़ा कम प्राइस. अगर 24% सपोज मैंने आज ये करवाया है आपसे 24% जस्ट फॉर द लास्टिंग, तो ये कितने का पड़ेगा सब चीजें मिला के, कैप बॉटल जितना टोटल, ये अपने को फिनिश प्रोडक्ट कितने का पड़ेगा? ये फिनिश प्रोडक्ट आपको 1000 रुपीज के आसपास पड़ जाएगा. आप अगर इसको ओरिजिनल मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको 35,000 के आसपास मिलेगा. मतलब हाई ग्रेड परफ्यूम ऑयल्स एंड हाई ग्रेड अल्कोहल, ये अपने को करीबन 1000 रुपए के आसपास पड़ता है जी. सर मैं आज रात को सो नहीं पाऊंगा, क्योंकि ऐसे जो नीश परफ्यूम्स हैं, डिजाइनर परफ्यूम्स हैं, अगर इनके फ्रेग्रेंसेस इतने कम प्राइस में मिलने स्टार्ट हो जाए सर, तो क्या ही बात है जी. बिल्कुल साजिद भाई, आपने आज मेरा दिल खुश कर दिया सर जी. लेकिन ये परफ्यूम का बॉटल तो मैं अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ आज जी. बिल्कुल. एनीवेज आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सो फ्रेंड्स, ये है परफ्यूम का जो मैंने आपको बताया रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिट्स परफ्यूम्स लेकर आया है इंडिया के अंदर, एंड दैट इज लाइफ मैन्युफैक्चरिंग. और आज आपने एक बहुत ही अच्छी चीज डिस्कवर करी कि कैसे परफ्यूम बनता है जी. शुक्रिया साजिद भाई, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि आपने सब चीजों के साथ बहुत अच्छा एक रन थ्रू करवाया हमें. तो दोस्तों, अगले वीडियो तक महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए. टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर.